कैसे हैं दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मिडल ईस्ट स्टडी सेंटर के चेयरमैन और मिडल ईस्ट इश्यूज़ के एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब हैं। आपने पाकिस्तान और अरब दुनिया के कई टीवी चैनल्स में बहुत अच्छा काम किया है और इस वक्त भी अल अरबिया के साथ मुंसलिक हैं। मिडल ईस्ट के इश्यूज़ पर इनकी नज़र बहुत गहरी होती है और इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में मिडल ईस्ट के बारे में ये बहुत अच्छे मज़ामीन भी लिख रहे हैं आजकल। तो हमने इनको दावत दी है कि इस वक्त जो गज़ा और इसराइल का जो इशू जारी है उस पर हमसे ये तफसील में बात करें। बहुत से सवालात जिनको कि पाकिस्तान में पूछा जा रहा है और उर्दू बोलने और समझने वाले लोगों के जहन में हैं, वो हम मंसूर जाफ़र साहब के सामने रखें, क्योंकि ये कई दहाइयों से मिडल ईस्ट के इशूज़ को कवर कर रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, अभी जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है इसको आप यकीनन देख रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट में एक मुसलसल एक मीडिया कैंपेन चल रही है कि जो कुछ हो रहा है इसका कसूरवार हमास को ठहराया जाना चाहिए। गज़ा में जो बच्चे और जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बेगुनाह तो हैं, ये सिविलियन तो हैं, लेकिन इसका इल्ज़ाम हमास पर आता है क्योंकि हमास ने प्रोवोकेट किया है, उन्होंने अंगेख्त किया है इसराइल जैसी ताकत को कि वो आए और अटैक करे। सो ये इल्ज़ाम जो है इनके सिविलियंस की डेथ का भी, ये भी हमास पर है। आप इस आर्गुमेंट के बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जी ये मगरब का जो दोहरा मयार है, ये जो इल्ज़ाम है ये भी उसी की एक अक्कासी है। यानी आप देखिए कि जुल्म के इंतहा के इसराइल और उसकी जो फौज है वो पिछले 75 सालों से फलस्तीनियों का इसी अंदाज से कत्ले आम कर रही है। उसके लिए उन्हें कोई बहाना, कोई प्रोवोकेशन नहीं चाहिए होता है। वो एक पॉलिसी, एक सिस्टमेटिक अपार्थाइड के ज़रिए जो है फलस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपने नस्ल परस्ताना, उनकी नस्ली तथहीर और सबसे बढ़ के उनको उनके असल इलाक़ों से जहाँ पे वो नेटिव रिहायशी हैं, सदियों से रहने वाले हैं, उनसे ताकत के ज़ोर पर और ज़बरदस्ती और धोख धांसली ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें छीन कर उनको वहाँ से निकलने पर हिजरत पर मजबूर कर रहा है और उसके उसके लिए उन्हें कोई जवाज़ नहीं चाहिए। उसके लिए वो इसे अपना हक समझते हैं। जबकि अगर फ़लस्तीनी जिन इलाकों से डिस्प्लेस किए गए हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है उन्हें इस बात का हक देता है कि वो उन इलाकों को वागुजार कराने के लिए एक मुसल्ला जद्दोजहद भी कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी कानून के अंदर ये बाकायदा मुसल्लमा उसूल है, ख़ासतौर पर अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर में, कि जहाँ से आपको फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया हो, आप ऑक्युपेंट जो ऑक्युपाइंग फोर्सेज हैं या जो ऑक्युपाइंग पावर है उसके ख़िलाफ़ मुसल्ला जद्दोजहद करते हैं। तो फ़लस्तीनियों ने अपनी जितनी भी ये इंतफादा की तहरीकें हैं या उससे पहले उनकी जितनी भी जद्दोजहद, चाहे वो इंतफादा से पहले के प्लेटफॉर्म पर हो, वो इसी जो कानूनी जवाज़ है, इसी जो कानूनी अख्तियार है, इसी कानूनी मैंडेट के तहत जो है लड़ी है। अब जंग के दिनों में ताकत का इस्तेमाल और उसके हवाले से अफरात व तफरीत हमेशा महल्ले नज़र रहा है। यानी कभी जो है वो अटैकर जो है वो बाज़ औक़ात इसमें ज़्यादती कर जाता है और कभी जो है जो उसका जवाब देने वाला है वो कर जाता है। लेकिन इसके नतीजे में हम ये नहीं कह सकते कि फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया है वो कोई गैर कानूनी काम किया है। फ़लस्तीनियों ने ऐन कानून और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में जो उन्हें इख्तियार हासिल था उसके तहत उन्होंने इसराइल को इंगेज किया और उसकी बुनियादी वजह यही है कि फ़लस्तीनियों को एक अरसे से, यानी 7 से ज़्यादा दहाइयाँ हो गई हैं कि वो इसराइली रियासत के सहयूनियों के मुख्तलिफ़ किस्म के मजालम जो है वो सहते चले आए हैं। ये मजालम अगर तो सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद होते तो शायद वो इसको सह लेते, लेकिन ये मजालम जो है बढ़ कर उनकी मुकदसात। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है जिसका मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तजाद बयानी से काम लिया जाता है कि जैसे ये सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमान ही ये जद्दोजहद कर रहे हैं, इस जद्दोजहद में वहाँ के ईसाई और ख़ुद वहाँ के जो यहूदी सोच के लोग हैं, मेरी मुराद सहयूनी नहीं है। सहयूनी बुनियादी तौर पे एक ऐसी तहरीक का नाम है कि जो फोर्सिबली अपने मकासद के हसूल में यकीन रखती है, जबकि ईसाइत और यहूदियत जो है ये समावी अध्ययन और अहल इज्तमाई तौर पर जो वारिस समझे जाते हैं, ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और ये पीसफुली यहाँ पे को एग्जिस्ट करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सहयूनी सोच फिक्र है उसके दर आने के नतीजे में और ख़ासतौर पे सियासी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाने से, मैं समझता हूँ ये सारा फसाद और ये सारा जो है खून खराबा वहाँ पे देखने को मिलता है। लिहाजा हमें ये बात नहीं फरामोश करनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ
फलस्तीनी जो हैं इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इस बात की जिम्मेदार वो आलमी कुवतें भी हैं कि जिनका ये बुनियादी फ़र्ज बनता था कि वो खित्ते के अंदर होने वाला जो अनरेस्ट है, और ख़ास तौर पर यहाँ पे जिस अंदाज से आलमी इस्तेमार ने, बरतानिया ने और अमरीका ने एक अपनी आउटपोस्ट को कायम करने के लिए यहाँ के इंतहा पसंद सहयूनियों और यहूदियों की सियासी और उनका इंटरनेशनल मैंडेट पे बहुत ज़्यादा मदद की है, तो उन्होंने फ़लस्तीनियों के जो बुनियादी हकूक थे खत्ते के हवाले से उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। और यही वजह है कि फ़लस्तीनी जो हैं मुख्तलिफ़ अदवार में उनके साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ होती रहीं, चाहे वो मुख्तलिफ़ अमन माहदात की शक्ल में हुई हैं या उनके जो जो इसराइल और सहयूनियों के जो जबरी इकदाम हैं उनके खिलाफ उनके पुरतशद्दद इकदाम हैं उसके नतीजे में, वो हमेशा से रिसीविंग एंड पर ख़ासतौर पर जुल्म को रिसीव करने वाले रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों ने कभी भी जो है अपनी सरजमीन पर और ख़ासतौर पर जो उनका किबला अव्वल मेरी मुराद मस्जिद अक्सा है उस पर जो इसराइली कब्ज़ा है उसको कभी ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया। वो अपने इस तमाम जद्दोजहद का मरकज़ और महवर उसी मुकद्दस मकाम को समझते हैं, और इसी वजह से वो इसे एक दीनी जज्बे के तहत, एक दीनी शऊर के साथ जो है और दीनी सोच समझ के साथ जो है वो इस जद्दोजहद को लेके चल रहे हैं। और इस यही वजह है हर जंग के अंदर जो है उनकी तरफ से ये पासदारी देखने को मिलती है, जो बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी जो आलमी जंग के कवानीन हैं उनका भी वो पास रखते हैं, और कभी उन्होंने उस अंदाज से निहत्ते लोगों को, इन पे बसने वाले जो यहूदी आबादकार हैं वो दरअसल तमाम के तमाम जो हैं वो कॉम्बैट लोग हैं, यानी वो लड़ाका फौज है, क्योंकि उनकी जो 18 साल की उम्र के बाद ये तरबियत का हिस्सा है कि उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है, और 32 माह मर्दों के लिए और 24 माह जो है वो ख्वातीन के लिए, ये लाजम है कि वो फौजी तरबियत लेंगे, क्योंकि वो एक जगह पर ऑक्यूपाई किया है उन्होंने, अपने उस ऑक्यूपेशन को बरकरार रखने के लिए उन्हें ये अस्करी तरबियत जो है वो लाजमन लेना पड़ती है। इस वजह से अगर कोई वेस्ट ये कहता है कि जी फ़लस्तीनियों ने या मज़ाहमत के लोगों ने वो निहत्ते इसराइलियों पे हमला किया है, तो वो निहत्ते हरगिज़ नहीं हैं, वो एक कॉम्पिटेंट फोर्स है, वो एक लड़ाका फोर्स है, ताकत के ज़ोर पे काबिज़ हैं, और फ़लस्तीनियों को जब भी ज़ाहिर है अपनी जंगी हिकमत अमली या अपनी स्ट्रेटजी के तहत मौका मिलता है वो उनको इंगेज करते हैं, और उस हवाले से उनका मकसद उनसे जान से मारना नहीं होता, उनका मकसद अपने इस इशू को हाईलाइट करना होता है। अब देखिए कि इस हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये इशू जो बैक बर्नर पे चला गया था, इसके पैरेलल बहुत सी ऐसी यानी सियासी थीरीज जो है वो फ्लोट कर दी गई थी कि अरबों ने तो अब नॉर्मलाइजेशन का डोल डाल लिया है, उन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के लिए सर तस्लीम खम कर दिया है, तो लिहाजा अब जो है फ़लस्तीनियों की ये मज़ाहमत की जद्दोजहद जो है इसका कोई जवाब नहीं। माजी में उन्होंने इसी तरीके से जो फ़लस्तीनी जद्दोजहद के आइकन थे जासर अराफात, उन्हें खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, स्पेन कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद उन्हें ओस्लो माहदे के अंदर इस तरीके से जकड़ा कि वो अपनी वो जो जद्दोजहद कर रहे थे इंतफादा के प्लेटफॉर्म से, जो मुसल्ला जद्दोजहद कर रहे थे, उन्होंने पीस के उस शराब के पीछे जो है अपनी वो तमाम जद्दोजहद जो है वो तर्क करके अपना मंशूर जो फतह उनकी पार्टी का मंशूर था वो उन्होंने अमेंड करके उससे मुसल्ला जद्दोजहद का पहलू निकाल के, हत्ता के ओस्लो माहदे की साइनिंग के मौके पर उन्होंने एक ओलिव ब्रांच लहराने के लिए जैतून शाख अमन के तौर पे लहराने के साथ साथ उन्होंने अपना जो पिस्टल जो हर वक्त अपने साथ रखते थे वो भी उन्होंने उस वक्त सामने उन्होंने टेबल पे रखा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और सुपुर्दगी की अलामत क्या हो सकती है कि फ़लस्तीनी पीसफुली रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें जिस तरीके से इसराइल ने और ख़ासतौर पर यहूदियों ने जो मुसलमा तौर पर कुरानी सनद है उनके पास इस चीज़ की कि वो एक बदअहद कौम है, वो जब भी आपके साथ कोई माहदा करेंगे कोई प्रॉमिस करेंगे वो उसको ब्रीच करेंगे, तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो अमन माहिदा यासर अरफात साहब के साथ किया उसको हर मरहले पे जिसके लिए उन्होंने 20 साल का एक टाइम फ्रेम रखा था कि हम हर कुछ अरसे बाद ये चीज़ अचीव करेंगे, लेकिन उसमें दो चीज़ें ऐसी थी कि जो फ़लस्तीनियों के लिए रेड लाइन की हैसियत रखती हैं, एक मस्जिद यानी बैतुल मक़द्दस का स्टेटस कि वो उनकी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा, और दूसरा उनके फ़लस्तीनियों का हक़ वतन वापसी। आज जब बातें हम सुनते हैं कि जी ये फ़लस्तीनी यहाँ से चले जाएं, कभी सहराए सीना चले जाएं, कभी ये दराए उर्दन अबूर करके उर्दन चले जाएं, या दूसरी जगह पे जहाँ इन्हें कोई अकोमोडेट करता है वहाँ चले जाएं, अपनी इस जद्दोजहद को है वो लिजिटिमेट समझते हैं और उसके लिए वो तमाम जो हरबे हैं जो कानूनी हरबे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
और उसकी जदोजहद जो है वो इंगेज उसी जदोजहद के तहत उन्होंने इसराइल को अभी रिसेंटली इंगेज किया है। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू से जो बात समझा हूँ सर, वो ये है कि हमास जो है, ये जो जंग लड़ रही है, इसके पीछे बाकी दुनिया के मुसलमान भी इस वजह से हैं कि वहाँ पर किबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है। अच्छा, क्या ये जो सारी गुफ्तगू आपने की है, इसका एक पहलू तो ये निकल रहा है कि आपके नज़दीक ये जो जंग है गज़ा, बल्कि फ़लस्तीन और इसराइल की, ये एक मज़हबी जंग है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? कि इसका एक पहलू मजहबी यकीनन मौजूद है, क्योंकि जो इस वक्त हमास की जो ड्राइविंग फोर्स है या जो हमास का स्कूल ऑफ थॉट है, जो नजरिया है, सोच फिकर है, सियासी सोच फिकर, वो बुनियादी तौर पे अख्वानुल मुस्लिमून से मुतासर है। अख्वानुल मुस्लिमून अरब दुनिया की एक बहुत बड़ी दीनी और सियासी तहरीक है और तकरीबन 100-150 साल पुरानी उनकी तारीख है, और उन्होंने इस खित्ते के अंदर जो है दावत व इरशाद, तबलीग और सियासी जद्दोजहद का एक ऐसा रोशन बाब जो है वो रकम किया है, जिसको बहुत सारी जगहों पे अवामी पजीराई भी मिली है। जो उनकी रिसेंट इलेक्ट्रिंग विक्ट्री थी वो मिस्र में मोहम्मद मुरसी साहब जब सदर बने और वहाँ पे हमास इन्होंने अख्वान ने बहुत बड़ी जद्दोजहद के नतीजे में कामयाबी हासिल की, अगरचे उसको बाद में बावजूद चलने नहीं दिया गया। तो ये एक उनकी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ इसमें एक दीनी रंग भी नुमाया है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो हमास की जो जद्दोजहद है और उनका जो चार्टर है जिसके तहत वो ये सारी जद्दोजहद करते हैं, उसमें उन्होंने जो इसराइल के खिलाफ मुसल्ला जद्दोजहद का जो एलिमेंट डाला है वो उन्होंने इस्लाम के जो बुनियादी असूल हैं कि आप जिहाद के जरिए जो है, जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको एडहेयर करते हुए अपनी जद्दोजहद मुनज्जम कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस पूरी जो यानी किबला अव्वल की जो आज़ादी की जिद्दोजहद है उसके साथ साथ उन्होंने उन्हें दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी सियासी और सामाजिक हर तरह की यानी दामे दिरहमे सुखने कदमे उनकी जिस अंदाज से लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जो जदीद दौर की हमें हमास देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस दीनी जिद्दोजहद के पैराए में उन्होंने लिमिट नहीं किया, वो एक सियासी अमल का भी हिस्सा है। और यही वजह है कि 2006 में यहाँ पे जब इंतखाबात का डोल डाला गया उसमें हमास ने अपने वही जो एक सोशल वेलफेयर का एजेंडा है और फिर इसी तरीके से नौजवानों की जो एक सोच और फिक्र को एक धार सही। अच्छा सर, मैं आपसे जो समझा हूँ ना, मैं जो आपकी बात की, आपने ये इसको कैटेगोरिकली ये कहा है कि ये बेसिकली इसकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो मज़हब है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा लोगों के समझने के लिए ये बता दें कि जो अलफ़तह थी, जो यासर अराफात की तंजीम थी, जो इससे पहले इस पूरी फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद को लीड कर रहे थे, वो एक टू स्टेट फार्मूले पे ओस्लो अकॉर्ड में मान गए थे, और अरब दुनिया भी यूं लगता है कि कमोबेश इस फार्मूले को मानती है कि वेस्ट बैंक, यरूशलम और गज़ा की पट्टी को मिलाकर एक फ़लस्तीन की स्टेट हो, वो आज़ाद कायम हो और एक इसराइल भी आज़ाद कायम रहे। क्या हमास इस टू स्टेट फार्मूला, जो कि सारे बंदोबस्त को टू स्टेट फार्मूला कहते हैं, दो आज़ाद रियासतें, क्या हमास इसको प्रिंसिपली एग्री करती है? जी, मैं थोड़ा सा इसको तारीखी बैकग्राउंड में अर्ज करना चाहूँगा। आपने जो बात की कि फतह जो है, जो बुनियादी तौर पर फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी ही के यानी एक कंपोनेंट पार्टी है, जो यासर अराफात साहब की जो तंजीम थी वो तंजीम आज़ादी फलस्तीन के नाम से दुनिया भर में फलस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम समझी जाती थी, और वो जो तंजीम थी वो बुनियादी तौर पर एक अम्ब्रेला था, उसकी उसके तले तकरीबन 50-60 के करीब जो है मुख्तलिफ फलस्तीनी तंजीमें जो थी उसमें ईसाई मूवमेंट्स भी शामिल थी, उसमें मुसलमान मूवमेंट भी शामिल थी, उसमें सेकुलर लोग भी शामिल थे, वो तमाम के तमाम उस PLO की छतरी तले काम करते थे और यासर अराफात साहब बिला शिरकत गैरे उसके सरबराह थे। और अलफतह जो है ये उसका एक पार्टी है, उस PLO की जो अम्ब्रेला है उसकी एक कंपोनेंट पार्टी है। लेकिन इसके साथ ज्यादती ये हुई PLO के साथ कि इसका जो इंतजामी ढांचा था, क्योंकि ये किसी एक जगह पे कायम नहीं थी, तो इसके बहुत सारे जो नुमाइंदे थे, जो नुमाइंदगी डायस्पोरा में रहने वाले यानी मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले जो फलस्तीनी इंटेलिजेंशिया थी, उनकी सियासी लीडरशिप थी, वो शामिल थी। फिर इसी तरीके से कुछ फलस्तीन के अंदर से थे और यानी सारी दुनिया के अंदर से जो नुमाइंदगी थी इसके अंदर मौजूद थी। इसके लिए जो सबसे बड़ी इंतजामी प्रॉब्लम आती थी वो इसका इजलास मुनक्कद करने की, कि कोई भी अरब कैपिटल इनको अपने यहाँ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता था, इसराइल इन तमाम डायस्पोरा के लोगों को वीज़ा नहीं देता था कि वो, तो इस अंदाज से एक लूज से अरेंजमेंट पे चलती रही। इनकी इसी हैयत को जानते हुए या अपने लिए नेमत गैर मुतरकबा जानते हुए
इसराइल ने उनमें से जो चुनिंदा लोग थे जो मीडिया में बहुत ज़्यादा नुमाया थे, मेरी मुराद यासर अरफात साहब है, उन पर डोल डाला और उन पर डोरे डालना शुरू किया और उन्हें पीस प्रोसेस का शराब जो है वो दिखाना शुरू किया। और उन्होंने फिर जिस तरह हमारे यहाँ होता है बहुत सारी तंजीमें वो एक ही फर्द के गिर्द घूमती हैं, तो यासर अरफात साहब ने अपना वो जो एक पोजीशन और मैंडेट है उसको किसी हद तक मिसयूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ फतह को ही आगे कर दिया उस तंजीम में, और बाकी सारी की पीएलओ जो है वो डाइल्यूट होगी, और उसके बाद से उन्होंने इसकी मेंबरशिप को क्लोज कर दिया। यानी ये जो हमास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इसकी तासीस 1984 के बाद हुई, और ये जो तंजीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पीएलओ, ये 60 की दहाई में या उससे पहले जो है 50s में ये बन गई थी फलस्तीन की जद्दोजहद को एक मुनज़्ज़म अंदाज में कंडक्ट करने के लिए। तो इस हमास पीएलओ का हिस्सा इसीलिए नहीं बन सकी या हमास को इसी वजह से नहीं बनने दिया गया कि हमास के पास ये जो सियासी शऊर था और जिस अंदाज से उन्होंने फलस्तीनी मासेस के अंदर जो है अपना एक असर व रसूख पैदा किया और एक इंतखाबी अमल के नतीजे में फतह भी हासिल की, तो अलफतह को यह खतरा था कि अगर ये हमास पीएलओ के मेंबर बन गई तो ये अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए डायस्पोरा के लोगों को साथ मिला लेंगे और हमारा जो है वो पत्ता गोल हो जाएगा। तो उन्होंने हीले बहाने से इन्हें इस प्रोसेस से बाहर रखा। अरब भी जब हम बेस्ट हमें यह कहता है या अरब दुनिया के बाज़ कैपिटल से ये आवाज़ आती है कि हमास जो कर रही है वो फलस्तीनियों की नुमाइंदगी में नहीं है या फलस्तीनियों का जो हक़ खुदरादियत है उसकी जद्दोजहद नहीं कर रही है, तो वो इस लिहाज से इनको सिंगल आउट कर देते हैं और सिर्फ एक मज़ाहमती तहरीक जो बुनियादी तौर पर अपनी जो अपनी कुव्वत नाफिज़ा है वो एक मजहबी एलिमेंट से ले रहे हैं, तो इस वजह से उनको फौरी तौर पर दहशतगर्द करार देना भी आसान हो जाता है और उनके खिलाफ जो है पूरी दुनिया को मुनज़्ज़म करना भी आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो है हमास को सिंगल आउट किया जाता है और हमास की जद्दोजहद को जो है वो कभी दाइश के साथ इक्वेट करने की कोशिश की जाती है, कभी उसको अलकायदा का कोई रूप देने की कोशिश की जाती है। स्टेट फार्मूले पर वो एग्री हैं या नहीं? जी, ये जो टू स्टेट फार्मूला है ये सन 2000 में OIC का जो इजलास हुआ था बैरूत में, वहाँ पे उस वक्त के जो सऊदी फरमा रवा थे उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था, उसे अरब पीस इनिशिएटिव कहते हैं। तो ये जो OIC के 2000 में बैरूत में होने वाले इजलास में जो अरब अमन फार्मूला पेश किया गया था उसको आलमोस्ट हमास समेत तमाम फलस्तीनी तंजीमें जो है उसको इंडोर्स करती हैं, लेकिन इशू ये है कि इसराइल जो है उसकी सक्सेसिव गवर्नमेंट और बिलखसूस ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आपको याद होगा कि जब ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ तो उस वक्त ओस्लो एकॉर्ड साइनिंग के वक्त जो शिमोन परेज उनके प्रेसिडेंट थे उसे ये जो नेतन्याहू साहब की जो इंतहा पसंद पार्टी है, जी इसाक रॉबिन थे ओस्लो एकॉर्ड के वक्त या शिमोन थे? जी शिमोन परेज जी, इसाक रॉबिन, यस तो उस वक्त जो इंतहा पसंद यहूदी थे वो उनके नुमाइंदे इस वक्त इसराइल में वजीर आजम बने बैठे हैं। तो ये पीस प्रोसेस के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो फलस्तीनी ही नहीं, मतलब फलस्तीनी तंजीमें ही नहीं है, खुद यहूदियों के अंदर इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे हैं कि जो फलस्तीनियों के साथ अमन नहीं चाहते, और इसी वजह से उनके जितनी भी सियासी लीडरशिप है वो हमेशा एक खतरे की उस अलार्म में रही है कि जब तक कि पीस प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता रहा। तो ये जो दो स्टेट का फार्मूला है इसको बाकायदा हमास भी इंडोर्स करती है, और उसके लिए जो शरायत रखी गई है वो यही है कि इस रियासत जिसके दूसरी साइड पे इसराइल ने होना है, फलस्तीनी जो रियासत है उसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए, लेकिन इसराइल जो है वो इसको कभी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, ना आज होगा ना आज से 100 साल बाद होगा, क्योंकि उनके यहाँ भी यही एक जो इंतहा पसंद सोच पाई जाती है और उसका भी जो डांडे हैं वो मजहबी लिंक से ही मिलते हैं, उनके मजहब से ही मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। फिर दूसरे नंबर पे जो इस वक्त अमेरिका में जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, खासतौर पे जो एवेंजलिस्ट ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो इस कदर उनको इस बात पर यानी हर वक्त प्रेशराइज करते हैं कि आपने यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटना इस मौकफ से, हम आपको हर तरह सपोर्ट करेंगे। यही वजह है कि आपने देखा कि अभी चाहे जो बाइडेन साहब कल तशरीफ लाएंगे या उससे पहले अगर एंटनी ब्लिंकन आए हैं, तो उन्होंने लैंडिंग के बाद जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया है उसके आगाज उन्होंने यहाँ से किया है कि मैं यहाँ एज अमेरिकन नहीं आया, मैं अमेरिकन ऑफिशियल के तौर पर नहीं आया, मैं एज ए ज्यू आया हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो जी, तो एंटनी ब्लिंकन भी, और इससे पहले अगर आपको याद हो
ये जो हैं अभी मौजूदा सदर जो है जो बाइडन, इन जब ये सेनेटर थे, इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें ये वर्मला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो मशरक़ वस्ता के अंदर इसराइल है, ये अगर ना होता तो हमें खित्ते में अपने मफादात के लिए खुद से एक इसराइल तश्कील देना था, हमने खुद से एक इसराइल बना लेना था। ये तो इत्तफाक से उनको बना बनाया मिल गया, या उन्हें इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ी जी। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ, यानी इनकी कमिटमेंट है, और इसी वजह से आपको इस पूरे पहलू का जो है ना वो अहाता करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये हमास की जो सोच है या जो इस्लामिक सोच और फिक्र रखने वाले लोग हैं उन्हें हम ब्लेम नहीं दे सकते, इसके पीछे पूरी थीरी है जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जैसे अब इसराइल के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हो जाता है, ख़ास तौर पे अमेरिका, और अमेरिका की वजह से फिर बरतानिया भी और नेटो भी, तो इस तरह से ये जो सोच है अरब की, पैलेस्टाइन्स की, फ़लस्तीनियों की, गज़ा के लोगों की, हमास की, उसके साथ अरब लीग क्यों नहीं उस तरह से खड़ी होती कि जैसे अभी अमेरिका ने अपने फ्लीट्स भेज दिए, दो इन्होंने भेज दिए, दो यूके ने भेज दिए, इतने पूरी जंगी मशीनरी उनकी हरकत में आ गई, तो इस तरह सॉलिडारिटी के लिए ही सही, लेकिन बॉर्डर्स पर किसी जगह भी अरब लीग से लोग जमा नहीं होते, उनकी उनकी हुकूमतें अपनी ताकत के साथ जमा नहीं होती। और अभी तो अब तकरीबन 8-10 दिन हो चुके हैं, 7 तारीख को ये वाकया हुआ, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो वो भी गज़ा वाली तरफ भी जो है खुराक वगैरह लेकर, इंसानी मदद लेकर भी कोई नहीं पहुंचा अभी अरब हुकूमतों की तरफ से। तो ये क्या वजह है कि सारे इसराइल के साथी, उसके अलाइज तो खड़े हो जाते हैं इकट्ठे, लेकिन इधर फ़लस्तीन के साथ बाकी अरब उस तरह से खड़े नहीं होते? मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हमास जो है इसकी जो पॉलिटिकल सोच है वो अख्वानुल मुस्लिमून से मिलती है, और अख्वानुल मुस्लिमून अरब खित्ते में एक अपनी सियासी जद्दोजहद रखती है, और खित्ते के जितने भी ममालिक हैं, खासतौर पे जहाँ पे किंगडम्स हैं या शेखडम्स हैं या ममलकतें हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं यकीनन एक बादशाही और एक मनॉर्की का जो सेटअप है उसमें, और यही जो लोग हैं ये अपनी सियासी जद्दोजहद के लिए समझते हैं कि यहाँ पे जमहूरी आवाम को जमहूरी हकूक मिलने चाहिए। तो ये उन खित्तों के लिए, उन जगहों के लिए, उन रियासतों के लिए ये एक सियासी चैलेंज है। और माजी में जब मुर्सी साहब की हुकूमत वहाँ बनी थी, उसके बाद जिस अंदाज से एक बहुत स्वीप या एक सोच और फिक्र जो अरब बाहरिया की शक्ल में हमें देखने को मिली, क्या आपको यमन में भी उसकी एपिसोड नजर आई, लीबिया में भी नजर आई वगैरह वगैरह, तो उससे ये तमाम जो एक मनॉर्की वाला जो एलिमेंट है वो खाइफ है। तो अब जब हमास की जद्दोजहद यहाँ थोड़ा सा ग्राउंड पकड़ती है, या उनका एक पल्ला भारी होता है, चाहे वो इलेक्शन की शक्ल में हो या यहाँ पे मुसल्ला जद्दोजहद की शक्ल में हो, तो इसको वो अपने लिए एक थ्रेट फील करते हैं। हालांकि इन तंजीमों ने बरवला इजहार किया है कि हमारा जो भी कोई एजेंडा है, हमारी जो भी कोई लड़ाई है, वो इसराइल के खिलाफ इसराइल की सरजमीन पर है, हमने बियॉन्ड इसराइल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसका ताल्लुक अस्करियत पसंदी से हो या कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा जो खित्ते के किसी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता हो। लेकिन वो कहते हैं कि जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस बात पर जरा एतबार मुश्किल से आ रहा है। यही वजह है कि हमें ये तमाम फोरम, चाहे वो अरब लीग का हो, ओआईसी का हो, या उससे नैरो डाउन आप करते जाएं वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो, वो तमाम के तमाम जो है अपने जो एक सियासी एजेंडे के खिलाफ इस तमाम तंजीम को देखते हैं, और यही वजह है कि वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करते ता वक्त के कोई उन्हें ये होता है कि अगर हम फौरी तौर पर इनको बेल करने के लिए आएंगे तो इससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनकी मासेज में मकबूलियत बढ़ेगी, जो कल को उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अदरवाइज जो एजेंडा वो लेके चल रहे हैं शायद पूरी अरब दुनिया का, बल्कि पूरी मुसलमान दुनिया का वो फर्ज कफाया अदा कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपको पूरी साफ पसंद अकवाम, अरब कैपिटल इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, तमाम जगह जहाँ जहाँ पे भी कलमा गो मौजूद हैं वो इनकी हमायत में इस वक्त सड़कों पे हैं, और हर तरह की इमदाद, हर तरह की सपोर्ट, सियासी पब्लिक सपोर्ट, सफारती, उसके लिए जो है वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे हामिद, और यही वजह है कि ये वो इंसाफियाँ नाइंसाफियाँ हैं कि जिनके खिलाफ ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो इसराइल के अंदर हो या इसराइल से बाहर, तो इसी वजह से इनको वो फौरी वो सपोर्ट मैसर नहीं आती,
और दूसरी तरफ जब आप अमेरिका को देखते हैं, बरतानिया को देखते हैं, तो वो अपने बहुत क्लियर हेडेड हैं कि हमने अपने ये जो आउटपोस्ट इस मशरक़ वस्ता में कायम की है, इसे हमने हर कीमत पे कायम रखना है और इसकी जद्दोजहद को ओन करना है, चाहे दुनिया हमें जितना मर्जी बेइंसाफ कहे, नाइंसाफी के साथ कहे, जालिम कहे, जारे कहे, जाबर कहे, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि ये एटीट्यूड हमें जो है मुस्लिम दुनिया या मुस्लिम ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता, बिलखसूस इस वक्त जो बावसीला मुल्क हैं, जिनके पास वसाइल हैं, चाहे वो तेल के वसाइल हैं, चाहे वो मादनी ज़खायर हैं, या उनके पास अगर कोई पॉलिटिकल वेट किसी मुल्क के पास अगर रह गया है, किसी दुनिया में मिस्र के पास था, इराक के पास था और लीबिया के पास था, ये तमाम लोग फलस्तीन के मसले के पुश्तीबान समझे जाते थे, इराकी गवर्नमेंट, लीबिया की गवर्नमेंट, यमन से भी इसी अंदाज से। तो अब वो तमाम के तमाम अपने जिस अंदाज से उनको दाखिली जकड़ उस मसाइल में उलझा दिया गया है, तो वो अब इस मसले के हवाले से यहाँ पे खित्ते में हमें जो वोकल आवाज नजर आती है वो ईरान की तरफ से देखने को मिलती है। ईरान का क्योंकि इसराइल के हवाले से एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उसकी उस आवाज को भी बाज़ुकात बड़ा ही, इसे कहना चाहिए, एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं लोग, और उसी वजह से जो है यानी उसकी मंजिल खोटी करने की भी कोशिश की जाती है। किसी दौर में उसी ईरान को यानी एक अजम करार दे के अरबों के खिलाफ खड़ा किया गया, कभी उसे मसल की जो हम मुनाफरत है या जो फिरका बंदी है उसका रंग दे के इनको अरबों के करीब जाने से रोका। तो मैं समझता हूँ अब बड़ी अच्छी ओपनिंग जो है वो चीन की ब्रोकरेज में ईरान और सऊदी अरब की अप्रोचमेंट जो है वो देखने को मिली है, और यही वजह है कि आपने भी नोट किया होगा कि एंटी ब्लिंकन साहब जब मशरक़ वस्ता के दौरे पे उनकी डेस्टिनेशन जब सऊदी अरब पहुंची है यानी उतरे हैं, तो उन्हें 9 घंटे शहजादा मोहम्मद ने इंतज़ार करवाया है, उनको उनकी हैसियत याद दिलाई है कि हम इतने वेले नहीं बैठे कि आपके लिए जो है वो सारी चीज़ें फर्शरा कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये उनको एक अपनी नाराजगी एक डिप्लोमेटिक अंदाज में उन तक कन्वे की है। और सेम उनके जो मुर्सी साहब सॉरी सीसी साहब हैं, उन्होंने कतन और इसके कि वो अंग्रेजी में वेल वर्स्ड हैं, उन्होंने अपना पूरा मौकफ अरबी में बयान किया है ये शो करने के लिए कि ये हमारा अरबों का भी काज है, हमारे मुसलमानों का भी काज है, जिस तरह आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम भी अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करें। अच्छा सर, ये ज़रा हमें बताइए कि गज़ा का पिछले 16-17 साल से चारों तरफ से ब्लॉकेड है, मुहासरा है, इस तरह के तीनों तरफ, तो तीन अतराफ में इसराइल मौजूद है, दो जगह तो ज़मीनी रास्ते हैं, वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचे बैरियर्स लगाए हुए हैं, क्रॉसिंग्स हैं जिन पे उनकी फ़ौज बैठी है, फिर समंदर में भी उनके जंगी जहाज़ हैं, उनकी कश्तियाँ हैं जहाँ से उन्होंने पूरा ब्लॉकेड किया हुआ है, एक तरफ से मिस्र ने किया हुआ है, और इसके चारों तरफ गज़ा के इर्द गिर्द कोई ऐसी गुंजान आबाद भी जगह नहीं है जहाँ के उनकी टनल्स निकल सकें और किसी को नज़र ना आए, इनके वहाँ से कोई सी जीप में गाड़ी में इनके लिए खुफिया तौर पर सामान आ रहा है तो किसी को नज़र ना आए, खाली जगह है मीलों तक। तो क्या कहाँ से आखिर फ़लस्तीन में ये गज़ा में हमास के लोग असलाह भी ले आते हैं, इतनी चीज़ें ले आते हैं कि इतनी देर से रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इतनी देर से लड़ रहे हैं और अभी जो उन्होंने इतना बड़ा अटैक किया ये करने में कामयाब हुए हैं, वो क्या रास्ता क्या वसायल है जहाँ से ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अंदर तक ले के आ रहे हैं? देखिए जी, जो मज़ाहमतकार हैं उनके पास बहुत से ऐसे चैनल हैं कि जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। माजी में जब यहाँ पे मुर्सी साहब की हुकूमत बनी थी, उससे पहले गज़ा का जो मेन आप कह लीजिए जो ज़राए आमदरफ थे या जो ज़राए मवासलात थे, वो यहाँ पे ज़ेर ज़मीन सुरंगें थी, और वो बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें थी कि जहाँ से आप पूरी जीप और ट्रक तक जो है वो गुजार सकते थे और उसको खोल के भी और अदरवाइज भी मूव कर सकते थे, और ये एक लिहाज से मुतबादल आप कह सकते हैं इकोनॉमी थी, यानी जो आपने रोड लिंक्स से बाज़ुकात जैसे टैरिफ देकर आते हैं, अगर वहाँ पे गजा में दुकानदारी करते हैं रॉ मटेरियल है, सामान है, वो उन सुरंगों के जरिए आता था, क्योंकि आपको काहिरा से यहाँ तक आने के लिए 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, तो जो करीब तरीन इलाका एरेश का जो बनता है सरासीना से पहले, तो वहाँ पे जो इस तरह के खाम माल फरोख्त करने वाली जगह थी। तो फिर उसके बाद ये जो समंदर का रास्ता है, ये भी एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, और उसके साथ साथ जो गर्ब उर्दन की एक्सेस है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि जब आपके पास हैवी ट्रक्स आते हैं ख़ास तौर पर जो उनकी एरेस क्रॉसिंग से आते हैं, वो बाकायदा कस्टम पे करके आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारी बागा या दीगर जो है इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स हैं वहाँ से वो लोग आते हैं, वो बाकायदा कस्टम ड्यूटी देते हैं,
और उसके बाद उनका सामान जिस तरह हमारे तोरखम से, पेशावर से, अफगानिस्तान या वहाँ से यहाँ चीज़ें आती हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे उन चीज़ों को चेक करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फ्लो होता है चीज़ों का। तो उन 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 चीज़ों से भी वो इस्तेफादा करते हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर है जो खित्ते के ममालिक जिनका एक इंटरेस्ट हो सकता है इस इलाके में या इस जद्दोजहद में, उनके अपने मीन्स हैं। और आज के दौर में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो हमेशा लोगों ने, जिन मुल्कों ने हासिल की है, वो ब्लैक मार्केट से ही की है। ये कोई लीगल एवेन्यू मौजूद नहीं है, कोई ऐसी लीगल मार्केट नहीं है कि जहाँ से आपको न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने के लिए कोई स्पेयर पार्ट मिल जाए या कोई चीज़ें मिल जाए। तो ये इसी तरीके से इन्होंने छोटी चीज़ें जोड़ के मकामी तौर पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आया तो उसमें से पाइपें जो हैं वो बचा के, तो ये वो चीज़ें हैं। ज़ाहिर है इसका यानी कोई हमारे पास ऐसी कोई एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं है कि वो कौन से चैनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्मगल्ड मार्केट है, जो स्मगलिंग के नेटवर्क्स हैं, वो अब भी मौजूद हैं। तो लिहाजा उन्होंने इंडिजिनसली ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप भी की हैं, या जो एडवाइजरी कैपेसिटी में जो चीज़ें उनके पास, तो उसका ये नतीजा है कि उनके पास ये तमाम सलाहियत आई और उन्होंने इसराइल के साथ जो है वो टक्कर लेने का फैसला किया। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से मिस्र पे दबाव डाला जा रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे ताकि गज़ा के जो लोग हैं ये सहराए सीना की तरफ चले जाएं, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों मुरबा किलोमीटर खाली जगह पड़ी है, ये वहाँ चले जाएं ताकि ये आराम से हमास को ख़त्म कर सकें, फिर ये वापस आ जाएं। तो हमास इसको मिस्र इसको मुसलसल रजिस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं रफा क्रॉसिंग ह्यूमनिटेरियन एड के लिए तो खोलूँगा लेकिन रिफ्यूजीज़ के लिए नहीं। तो क्या वजह है मिस्र वो क्रॉसिंग क्यों नहीं खोलता, और वहाँ से अगर ह्यूमनिटेरियन एड भेजनी है तो वो मिस्र किसी का इंतज़ार किए बगैर अपनी तरफ से क्यों नहीं भेज रहा? देखिए जी, जो रफा क्रॉसिंग है और उसके साथ एरेज क्रॉसिंग है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है। एरेज क्रॉसिंग के बारे में जरा बता दें कि ये इसके लोकेशन जरा जुमलों में, लफ्जों में बता दें। एरेज क्रॉसिंग जो है, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा हम खबरों में सुन रहे हैं कि इसराइल की तरफ से डिमांड है कि फलस्तीनी जो शुमाली गजा में, इसके बेसिकली पांच गवर्नेट हैं, जो शुमाली गजा जो जहाँ पे एरेज क्रॉसिंग है, ये वो रास्ता है कि जहाँ से लोग गर्ब उर्दन के इलाके में जाते हैं और वहाँ से फिर बैतुल मक़दस और उस इलाके में जो स्पेशल परमिट होल्डर फलस्तीनी हैं वो वहाँ मुलाजमत के लिए जाते हैं। 16-17 हज़ार परमिट इसराइल ने जारी कर रखे थे जो गजा के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई बेरोजगारी है और कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो ये एक वाहिद जरिया था, थोड़ी स्किल्ड लेबर वहाँ चली जाती थी, लेकिन उनके साथ सस्ती और स्किल्ड लेबर जो है वो चली जाती थी जी हाँ जी। तो अब वो सारी चीज़ें बंद हैं, तो ये बुनियादी तौर पे वो क्रॉसिंग है कि जो शुमाली गजा से बेसिकली कनेक्ट करती है वेस्ट बैंक को और उसके साथ जो बैतुल मक़दस को। तो जो दूसरी है रफा क्रॉसिंग, उसे करम शलोम भी कहते हैं और वो मिस्र के साथ कनेक्टिविटी उसकी करती है, और मिस्र से जो चीज़ें आती हैं वो छोटी नौइयत की चीज़ें हैं, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर मैंने बताया ना कि जैसे ट्रैफिक है वो नहीं है। इन दोनों क्रॉसिंग्स पे यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, उसी तरीके से जिस तरह हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि डिस्प्यूटेड इलाका है, जिस तरह वहाँ पे यूएन ऑब्जर्वर बैठे हैं जो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वायलेशन है वो मॉनिटर करते हैं और नकल व हरकत देखते हैं दोनों फोर्सेज की। इसमें यूरोपीय यूनियन, ज़्यादा यूरोप का मौकफ आपके सामने है फलस्तीन के हवाले से और हमास के हवाले से, तो लिहाजा वो जब उनकी स्वीट विल होती है वो मिस्र को इशारा करते हैं चलें भेज दें 6 गाड़ियां हम निकाल देंगे, जब वो नहीं होता तो वो बंद रहती है। इसी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि गजा जो है वो दुनिया की खुली सबसे बड़ी खुली जेल है, इसलिए कि वहां से ना कोई इन हो सकता है ना कहीं आउट हो सकता है, और अगर होगा भी तो वो इसी तरह है जैसे जेलर चाहेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जहां तक आपका ये सवाल है कि यहाँ से लोगों को गजा से मुंतकिल क्यों नहीं होने दिया जाता, चाहे वो सहराए सीना का बहुत बड़ा इलाका है या उसके साथ आगे मिस्र, वो भी बहुत बड़ा रकबा है, जो उसकी रीज़न ये है कि कोई भी मुल्क जो है आज के दौर में ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह आपने देखा होगा कि यूरोप ने जिस अंदाज से सख्त इमिग्रेशन कवानीन नाफिज कर रखे हैं, वो इलीगली जाने वाले यूरोप किस्मत आजमाई के लिए जो समुंदर के रास्ते जाते हैं उनको समुंदर में ही गर्क कर दिया जाता है, उनकी कश्तियाँ उलट दी जाती हैं। तो लिहाजा इतनी बड़ी, क्योंकि ये लोग दूसरे मुल्क का जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है उस पर बोझ होते हैं,
ये ज़ाहिर है वहां जाकर कोई पॉजिटिव काम तो फौरन नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ अफगानियों को अभी वो गैर कानूनी है जिनके पास सभी दस्तावेज नहीं है उनको निकालने के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर की है। तो दूसरे नंबर पे इसराइल का जो तौसी पसंदाना रवैया है वो मिस्र को इस बात से रोकता है कि आज उन्होंने गजा तक पीछा किया है इन फलस्तीनियों का, तो कल को कौन जमानत देगा, कौन आलमी ताकत जमानत देगी कि वो इनका पीछा करते हुए मिस्र दाखिल नहीं हो जाएगा। तो मिस्र जैसा मुल्क जो है आया वो मिस्र इसराइल के साथ लड़ाई ले सकता है या उनके बचाव के लिए किस हद तक अपनी फोर्सेज जो है वो मोबिलाइज कर सकता है। और दूसरे नंबर पे फलस्तीनी जो है वो खुद इस बात पे राजी नहीं है क्योंकि उन्होंने ये अगर इलाका छोड़ना होता तो माजी में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं सिस्टमेटिकली इनको यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। माजी में वो एक ट्रांसफर प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था कि जिसके तहत वो कहते थे कि आप दराए उर्दन अबूर करके आप जॉर्डन चले जाएं। तो जॉर्डन में ऑलरेडी तकरीबन 63% आबादी जो है वो फलस्तीनी डायस्पोरा की है और उनकी वहां पार्लियामेंट में मेंबरशिप भी मौजूद है, और क्योंकि वहां एक बादशाहत है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है उन लोगों को कंट्रोल करना, खासतौर पर अभी जब ये जंग छिड़ी है तो जो उर्दन का बॉर्डर है उस पर मुजाहरे हो रहे हैं और इस बात का खतरा है कि अगर ये लोग क्रॉस कर गए इनसाइड फलस्तीन तो वहां पे क्या सूरत हाल बनेगी उर्दन से। इसी डर से जो फलस्तीनी सदर में उर्दन से, क्योंकि देखिए ये इसी तरह डिवाइडेड फैमिलीज हैं कि जिनके कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ हैं, कुछ यहाँ तोरखम बॉर्डर के इस तरफ हैं कुछ उस तरफ हैं। और बॉर्डर जो है वो हमेशा खासतौर पे कोई ये मेक्सिको के बॉर्डर नहीं है कि जिस पे बड़ी दीवार लग जाएगी, या अमेरिका का बॉर्डर नहीं है, ये बिल्कुल पोरस से बॉर्डर है। यहाँ पे इन आउट के जो मकामी लोग हैं उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसी वजह से मिस्र जो है वो खास है इन लोगों को अपने यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने के हवाले से या कम से कम लीगली आने की इजाजत देने के। और इसी तरीके से उर्दन भी जो है वो अपनी इकोनॉमी अपने जो मखसूस बारूजी उनके माशी हालात है इकतसादी हालात है उसकी वजह से भी, और दूसरा जो सिक्योरिटी थ्रेट मुस्तकिल उन्हें इसराइल की तरफ से रही कि अगर कल को ये दोबारा उनका पीछा करते हुए वहां चले जाते हैं तो फिर इनका कौन जिम्मेदार बनेगा, इनको कौन जमानत देगा। और इसराइल जैसे मैंने कहा बीइंग अ ज्यूइश स्टेट उनकी बदहदी जो है वो मुसलमा है, माजी में उन्होंने जितने काम किए हैं जितने वादे किए हैं सब के सब वायलेट किए ब्रीच किए। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से अमेरिका वेस्टर्न पावर्स और इसराइल जिस ताकत से बयान दे रहे हैं और अपनी अपनी फोर्सेस को उन्होंने मूव कर दिया है, लगता है कि इस दफ़ा वो हमास को उसी तरह गजा से निकालने में कामयाब होना चाहते हैं जैसे एक ज़माने में उन्होंने लिबनान से अल-फतह को PLO को निकाल दिया था। क्या आपको लगता है कि यहाँ ये इसमें कामयाब हो पाएंगे गजा में? आज की जो जद्दोजहद है ये कोई सियासी जद्दोजहद अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो रिलीजियस ह्यू है जो मजहबी रंग है वो बहुत गालिब है और नुमाया है। इसी तरीके से माजी में भी अगर इसराइल ने लबनान से फतह को निकाला उन्होंने अपना अगला स्टेशन तूनिस बना लिया। इसी तरीके से हमास को जो है वो पहली बार ये जकड़बंदियां सामने नहीं हुई, ये उर्दन में मौजूद थे, उर्दन के बादशाह पे प्रेशर पड़ा इसराइल का, वो वहां से सीरिया चले गए, सीरिया ने उनको वेलकम कहा, जब सीरिया में इंटरनल वहां पे मसाइल पैदा हुए तो उनके लिए वहां पे एक मौकफ इख्तियार करना मुश्किल हो गया उस हुकूमत के हक में, तो उन्होंने वहां से हिजरत की और वो कतर चले गए। कतर पे जब बहुत बड़ा GCC का दबाव आया और सारा उनका बायकॉट का सिलसिला हुआ उसके बाद उनकी अगली डेस्टिनेशन वो तुर्की होगी। तो इस तरीके से जो फलस्तीनी लीडरशिप है जो उनकी सियासी जद्दोजहद का मरकज और महवर है वो इसी तरीके से महाजरत हिजरत दर हिजरत जो है उसी में अपनी स्ट्रगल, और यही वजह है कि दुनिया को हैरानी है कि ये लोग जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं है, अपना कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, ये लोग इतने मुनज्जम कैसे हो गए, कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने इन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी है कि ये हिजरत दर हिजरत के अंदर भी जो है वो अपने अवाम के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनकी उनकी क्यादत भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसराइल की तरफ से जो हमास को ख़त्म करने का जो शौक है या जो उसका जज्बा है वो कोई पहली बार नहीं हम देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा शेख अहमद यासीन को भी एक F-16 हेलीकॉप्टर से F-16 तैयारे से शूट किया गया, उनको उड़ाया गया। उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर उनकी जो मुतबादल लीडरशिप डॉक्टर अब्दुल अजीज रिंतेसी थे उन्हें भी इसी तरीके अपाची हेलीकॉप्टर के जरिए शहीद कर दिया गया। खालिद मशल साहब को उर्दन के अंदर जो है वो एक ऐसा जहर दे के हलाक करने की कोशिश की गई दुनिया भर में सिवाय इसराइल के और किसी के पास नहीं। तो लिहाजा उनकी लीडरशिप के लिए ये मसाइल, और इसी तरीके से उनके बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर जो हैं खालिद अल मबहू उन्हें दुबई जैसे मेट्रोपोलिस में
इसराइली मोसाद के एजेंटों ने जो है वो शहीद किया। तो लिहाजा उनके लिए ना तो ये शहादत के जो चैलेंजेस हैं ये नए हैं, ना अपने अवाम के खिलाफ होने वाले। ठीक है, इस बार हमें जो मैग्नीट्यूड नज़र आ रही है वो ज़्यादा है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने अपना एक फोर्टिफाइड किस्म का निज़ाम बना रखा है गजा के अंदर, गजा जितना आपको ऊपर नज़र आता है, गजा पूरे पूरा नीचे टनल्स की शक्ल में मौजूद है, और उन टनल्स से ही खौफजदा होकर इसराइली जो है इस वक्त वो गजा के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार रहे। और आज ये जो इनके लीजिए कि गिलाद शालीद जो इनका एक फौजी प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसको 4 साल तक हमास ने जो है अपनी कस्टडी में रखा, और 4 साल बाद जब उसे रिलीज किया तो उसके बदले 1000 अपना फलस्तीनी कैदी जो है, जिसमें बड़े बड़े वांटेड उनके लीडर्स जो है वो शामिल थे। अब इसराइल को जो सबसे बड़ी परेशानी है कि ये जो 200 के करीब बताया जाता है सिविलियन और फौजी जो है इस वक्त हमास की कस्टडी में है, उनके बदले तो वो शायद पूरा इसराइल ही आज़ाद करवा लें। तो इस वजह से वो उन पे ये कड़ी बमबारी कर रहे हैं ताकि कम से कम वो जितने भी हॉस्टेजेस हैं या तो वो मर जाएं या फिर उसके नतीजे में जो है वो उनको छोड़ें, ताकि हम उनके साथ कोई बारगेनिंग चिप के तौर पे कोई अपने मुतालबा जो है मंजूर करवा सकें। अच्छा सर, अभी ये जो आपने कहा कि हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, और अब यहाँ पर अमरीकी सदर भी तकरीबन उनका दौरे में चंद घंटे रह गए हैं, जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो उनका दौरा मुकम्मल हो चुका होगा, तो मुझे बताइए कि अब क्या चीज़ इस पूरी लड़ाई, ये जो हालिया लड़ाई है इस वक्त की सिर्फ हम बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है इसमें क्या चीज़ बुनियादी रोल प्ले करेगी इसको किसी वक्त ख़त्म करने पर? होस्टेजेस की रिहाई बुनियादी किरदार अदा करेगी, या जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये जो इस वक्त का कॉन्फ्लिक्ट है ये जारी रहेगा? देखिए जी, जहाँ तक तो हमास के खात्मे की बात है, वो मैंने छोटा सा ब्रीफ आपको जो एक दिया है वो उनकी स्ट्रगल का बयान है कि उन्हें आप इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरा, जो गुरीला तहरीकें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। कहने को इसराइल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया ने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी वहाँ पे मज़ाहमत का और आज़ादी की जद्दोजहद का और हुर्रियत का शरारा जो है मौजूद है। यहाँ पे अफगानिस्तान में कौन सा बम जो है अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बिगड़ी हुई शक्ल में वही लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अगरचे हम उनकी आइडियोलॉजी को एडहेयर नहीं करते, उसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन कम से कम वो तमाम के तमाम लोग इस वजह से मौजूद हैं कि वो गुरीला सेटअप के अंदर काम करते हैं, और उनका उस अंदाज से यानी कोई फॉर्मल सेटअप नहीं होता कि जैसे आप हिट करेंगे दफ्तर में उड़ा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक सोच और फिक्र है वो ट्रैवल करती रहती है। यहाँ पे इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है इस जंग को या इस जंग के अलाव को ठंडा करने के लिए, वो इस जो है खित्ते के ममालिक बिलखसूस उर्दन का, मिस्र का, ईरान का, और उसके साथ साथ जो हमें एक नई अलाइनमेंट देखने को मिल रही है वो रूस और चीन की तरफ से जो है इस मामले में उनकी बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी जो है, और बिलखसूस जिस अंदाज से उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा में भी रूस ने करारदाद मूव की है, और उसके बाद जो अब जो हमें एक करवट नज़र आ रही है GCC के कंट्रीज़ के अंदर भी, और बिलखसूस सऊदी अरब जो है उसे भी अपनी जिम्मेदारियां जो है मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा उनका एहसास भी है, और वो इसकी नज़ाकत को भी समझते हैं और इस मसले के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से भी मुकम्मल आगाह हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर इस वक्त हमास पर डाला जा रहा है वो उनके कैदियों को छोड़ने के हवाले से, लेकिन हमास जो है वो बार बार ऐलान कर रही है उनकी जो ब्रूटल बॉम्बिंग है उसके नतीजे में 22 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो लिहाजा अगर वो बॉम्बिंग नहीं रोकेंगे तो वो तमाम के तमाम लोग एनहेलेट हो जाएंगे, तो फिर ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। ऐसी सूरत में जो ये ममालिक हैं जिनका मैंने नाम लिया वो भी इसराइल को इस बात पे कायल और आमादा करने की कोशिश में है कि आप एक बार ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलें ताकि रास्ता पैदा हो, आपस में बातचीत और वो मामलात जो है वो सेटल हों, क्योंकि आप फोन कॉल के जरिए सारा काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खित्ते में आना हो या यहाँ के लोगों को बाहर जाना हो, तो एक सेफ पैसेज सेफ एग्जिट जो है वो तो फ्री कैन एक दूसरे को देंगे, तब जाके मामलात जो है वो किसी ऊँट किसी करवट बैठेगा। अदरवाइज फिर जिसके पास जितना गोला बारूद है वो एक बार चला लेगा। अभी बाय द टाइम वी स्पीक अभी जो ताज़ा इतला आई है गजा के अंदर एक हॉस्पिटल पर इसराइल ने बमबारी की है जिसके नतीजे में 300 अफराद जो है वो जांबाक हो गए। अभी रिसेंटली मुझे हॉस्पिटल के ऊपर पर्चियां फेंक रहे थे और कह रहे थे कि इसको बंद कर दें 24 घंटे से पहले, लेकिन ये उसको कहते हैं अल मुस्तशफा अल अहली, वहां पे इस नाम से हॉस्पिटल है, बात होती है।
ये वही है। हॉस्पिटल तो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अल अहली के नाम से एक हॉस्पिटल है और उसको उन्होंने अभी बॉम्ब किया है और तकरीबन 300 लोग जो हैं, तो आप इससे बड़ा और वॉर क्राइम क्या हो सकता है कि आप हॉस्पिटल्स को कभी निशाना नहीं बनाया जाता, सिविलियंस को उस अंदाज से निशाना नहीं बनाया जाता। अब आप छोटे बच्चे, जो सबसे बड़ा नंबर ऑफ कैजुअल्टी है वो इस वक्त खवातीन और बच्चों का है, और इतनी ही बड़ी तादाद में लोग अभी मलबे नीचे दबे भी हुए हैं क्योंकि वहां कोई ऐसा रेस्क्यू का काम नहीं है। हत्ता कि इन्होंने जो पैरामेडिक्स हैं उनको नहीं छोड़ा है, जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स एनजीओस, यूएन के ऑफिसेस तक नहीं बख्शे हैं। आप देखेंगे जिस तरह चीन और रशिया ने अभी तक जो इसराइल के ऊपर हमास का हमला था 7 अक्टूबर वाला, उसको कंडेम भी नहीं किया। आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बड़ी ताकतें जो रीजनल पावर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी ताकतें हैं अमेरिका के बाद, ये किसी ऐसे सॉफ्ट अलायंस की तरफ जा सकती हैं जिस पे अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो जो इसराइल को एक अपनी प्रॉक्सी के तौर पर, एक ताकतवर मुल्क के तौर पर अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको ज़रा कमज़ोर किया जाए ईरान के साथ मिलकर, अरबों के साथ मिलकर? क्या आप कोई ऐसा एक्सिस, कोई ऐसा नया अलायंस इस साइड पे देख रहे हैं दुनिया की? जी, इसमें बहुत बड़ी रीअलाइनमेंट जो है सियासी बुनियादों पे जो है वो होने जा रही है। आप खास तौर पे चीन और रूस के हवाले से जो आपने जिक्र किया, खत्ते में जो एक अहम मुल्क जो है शाम, जिसकी सरहदें इसराइल के साथ मिलती हैं, और अभी हालिया इस जंग में इसराइल ने जो है इसराइल शाम के जो दमिश्क एयरपोर्ट को और हल्ब एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। रूस के सीरिया के अंदर बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनकी तरतूस बंदरगाह जो है वो उनकी तेल की सप्लाई के हवाले से, पाइपलाइन के हवाले से बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। और इसी तरीके से जो उनका आइडियोलॉजिकल बॉन्ड है इन मुल्कों का, ये 2 अरब मुल्क ऐसे थे कि जो इराक अरब सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसी तरीके से सीरिया वो भी अरब सोशलिस्ट रिपब्लिक है, और चीन और रूस बीइंग सोशलिस्ट कम्युनिस्ट उनके साथ बिल्कुल जिसे कहना चाहिए है बिल्कुल हम पे अलावा हम हैं, तो लिहाजा उनके इंटरेस्ट भी कॉमन है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी कॉमन है, पोलिटिकल आइडियोलॉजी भी सेम है। तो खित्ते में ईरान के साथ उनकी अगर कोई चिप इन हो जाता है उनका सेटअप, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बड़ा ऐलान, और उसके साथ साथ क्योंकि ईरान की रिप्रोचमेंट सऊदी अरब के साथ है, तो सऊदी अरब भी चीन के उस लॉबिंग के नतीजे में या प्रेशर के नतीजे में, मैं समझता हूँ इस पूरे रीअलाइनमेंट का हिस्सा होगा। ऐसे में फिर अमरीका के लिए जो मशरक वस्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के बल पे यहाँ वो नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उनसे नाराज है, और उनकी वजह से चीन के साथ उनकी दोस्ती जो है वो बड़ी है, या अपने जो तेल वगैरह के मामलात हैं उस वजह से उनकी झुकाव इस तरफ हुआ है, तो ऐसे में अमेरिका जो है वो मशरक वस्ता से अपनी जो उसने आउटपोस्ट इसराइल है इसको वो ज्यादा देर फौजी ताकत के जोर पर जो है कायम नहीं रख सकेगा। खासतौर पर अगर ये अलाइनमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, अगर ये अमली जामा इसको पहनाया जाता है और ये मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाती है और इसका कोई लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है, तो ऐसे में अमेरिका के लिए अपनी जो इसराइल वाली आउटपोस्ट है उसको सिर्फ फौजी ताकत के यहाँ जोर पर कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसानों के जजीरे में जो है वह आप ज़्यादा देर असले के साथ जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा सर, एक और बात बताइए कि अभी तक जो 11 दिन की जंग हुई है, लड़ाई हुई है, जिसका पहले दिन के बाद ये सारी वन साइडेड थी, इस सारी जंग में सिर्फ एक फ्रीक अब तक गुफ्तगु में, अपने बोलने में तो हमास के, फलस्तीन के साथ खड़ा है, वो ईरान है। और हिजबुल्ला जब अटैक करती है तो यही समझा जाता है कि ईरान की तरफ से एक रिटेलिएशन आ रही है, एक मैसेज आ रहा है। तो जिस तरह ईरान बार बार वॉर्न कर रहा है, कल रात उसने कहा कि हम चंद घंटों में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो अगर अमरीकी सदर के दौरे के बाद ये ग्राउंड इन्वेजन कर देते हैं इसराइल, तो आप मुझे ये बताइए कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? जाहिर है वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में, इसराइल में नहीं कर सकता ईरान, तो क्या हिजबुल्ला की जैसी एक प्रॉक्सी जो कि जाहिर है अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में बहुत छोटी है, वो क्या कर लेगी? देखिए जी, आपको याद होना चाहिए कि जो गजा स्ट्रिप है और जनूबी लबनान, ये 2 ऐसे मकबूजा इलाके हैं कि जहाँ से इसराइल को अपनी यहूदी बस्तियाँ या उसका कब्जा जो है वो छोड़ना पड़ा है। इसकी रीज़न ये पीछे यही फलस्तीनी मुजाहिदीन थे, यही मज़ाहमतकार थे कि 2005 में यूनिलैटरली जो है गजा खाली करके गया है इसराइल यहाँ से, क्योंकि उनके लिए वहाँ अपनी यहूदी बस्तियाँ कायम रखना मुश्किल हो गया था। इसराइलियों को भी इन दोनों तंजीमों के पोटेंशियल और इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा है,
और इन्हें इनकी अलायंसेस जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं या जो इनके हमदर्द हैं उनके पोटेंशियल का भी अंदाजा है, क्योंकि आज अगर इसराइल जो है उसे ईरान की तरफ से किसी भी किस्म का कोई खतरा है जिसकी वजह से वो अपने इस खत्ते में जो जारहाना अजायम है उसको कंटेन करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जंग अब छिड़ी है यहाँ पे, ये अगर फैली तो इसमें फिर इसराइल महफूज नहीं रह सकेगा ईरान के बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइल हमले से। ये याद रखिएगा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो हिजबुल्ला और हमास को ना कर सके, लेकिन वो ईरान जो है वो खुद इस जंग में जो है। तो सर, अगर अगर ईरान इस जंग में कूदता है, अगर ईरान अपने वेपन्स के साथ इस जंग में आ जाता है, ईरान भी इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाता है, जैसे कि अमेरिका और बरतानिया हो चुके हैं, गो के वो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो जंगी जहाज़ भेजे हैं हमने जंग में शामिल होने के लिए नहीं भेजे, हमने सिर्फ इसलिए भेजे हैं कि कहीं इर्द गिर्द की कोई ताकत ना आए, तो जाहिर है इसी को जंग में शामिल होना कहते हैं कि एक फ्रंट पर आप अपने इतिहादी खड़ा करते हैं ताकि वो फ्रंट भी ऑक्यूपाई हो जाए, वो फ्रंट भी सेफ हो जाए। अगर ईरान भी इसमें दाखिल हो जाता है तो क्या आप इसको रीजनल ग्रेट गेम का आगाज़ कह सकते हैं कि हमें एक तीसरी जंग की तरफ, खुदा ना खास्ता मैं बड़ी दूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसकी तरफ बढ़ जाएं? क्योंकि अगर ईरान जाएगा तो इसका मतलब है कि सीरिया भी आएगा, हिजबुल्ला भी आएगी, और एक ऐसा फ्रंट खुलेगा जो कि ज़ाहिर है यूक्रेन से काफ़ी बड़ा होगा। जी, इसीलिए इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो दो बड़ी जंगें जो हैं वो एट अ टाइम लड़ सके, और वो भी इस तरीके से कि उसमें जो लोग शरीक हैं यानी रूस जिसके साथ नंबरद आजमा है वहाँ पे यूक्रेन प्रॉक्सी की शक्ल में, और यहाँ पे भी उसी अंदाज से रूस या उनके जो भी हमदर्द हैं उनके साथ वो जंग लड़ सके। तो लिहाजा सैनिटी तो इसी बात का तकाजा करती है कि ये जंग ना छिड़े या उस तरह के हालात ना पैदा किए जाए। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त मतलब हम एक वर्स्ट सिनेरियो भी पेंट करें तो उसमें यानी एक लिमिटेड स्केल की स्किर्मिशेस या छेड़छाड़ जो है वो जब तक नहीं होगी उस वक्त तक शायद अमेरिका को अपने ये जो खित्ते पे इसराइल का कब्जा है उस हवाले से कोई रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक उसको ये यकीन अब तक अमेरिका को यकीन है कि हम इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर हैं, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और यही जोम जो है इसराइल उसके लयपालक को यहाँ पे था, लेकिन उसका ये जोम उसकी टेक्नोलॉजी उसकी फौज उसका सारा का सारा भरम जो है वो मुज़ाहमत के प्रोजेक्ट ने जो है वो पाश पाश करके रख दिया है। अब ये अगर और बिलखसूस ये बात याद रखिए कि अमेरिका इस वक्त जो है वो ज़्यादा देर इस वॉर कैफियत में नहीं रह सकता, इसलिए कि अगले साल अमेरिका में भी इंतखाब होना है, और अमेरिका में इंतखाब जो है वो आपको पता है हमेशा कोई दाखिली कारकर्दगी बिना पे नहीं जीता, वो यही कि जीता जाता है जी मैंने अफगानिस्तान फतह कर लिया था, मैंने जो है इराक फतह कर लिया था, मैंने जो है वो इसराइल को इसकी हिमायत कर दी थी। तो अब अगर यहाँ पे इसराइल का ये हाल है ऐसी सूरत में इसे वो कम अज कम वोट बैंक की शक्ल में वहां कैश नहीं करवा सकेंगे, और इससे पहले इसी नौयत की जो माजी की हुकूमतें थी जब उन्होंने अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे हटके अपने इलेक्शन को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे बेस करना चाहा, तो आपने देखा कि वहां जो मेक अमेरिका गेट ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले ट्रंप साहब जो हैं वो तशरीफ ले आए, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका का क्या हाल किया वो मेरे और आपके सामने। तो सऊदी अरब जो कि इसराइल से अब दोस्ती बनाने जा रहा था, ताल्लुकात ठीक करने जा रहा था, ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने सफ़र तो शुरू कर दिया था, और आपको पता है कि जो सऊदी अरब ने अरब खित्ते में ख़ुद करना होता है उसको टेस्ट के तौर पर पहले एक दफ़ा यूएई से करवा लिया जाता है, और यूएई आप देखते हैं कि कबूल कर चुका है इसराइल को। तो वो जो सारी गेम इसराइल के साथ ताल्लुकात की इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, सऊदी अरब जिसको लीड कर रहा था इसराइल के साथ अमेरिका की मदद से, अब उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्योंकि वो तो इकोनॉमी से रिलेट थी, सऊदी अरब के लिए तो इकोनॉमी ज़्यादा अजीज़ होगी चंद लाख फ़लस्तीनियों की नस्बत। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। देखिए जी, अपने अपने जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो हर मुल्क के मारूजी हालात के मुताबिक ही वो डिटरमिन होते हैं, और इसमें सऊदी अरब कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, वो भी इन्हीं बुनियादों पर सोचते हैं, और बिलखसूस जब से सऊदी अरब ने अपनी मईशत को नॉन ऑयल जो है आमदन पर बेस किया है
और متبادل ذرائع اس کے لیے تلاش کرنے شروع کیے ہیں اس میں اسی نوعیت کے ظاہر ہے جو چیزیں ہیں جو اکانومی کو بوسٹ دے سکتے ہیں وہ سیاحت ہے اور سیاحت تب ہی ممکن ہوگی کہ جب خطے میں امن ہوگا اس طرح کی وار زونز میں تو کوئی سیاحت کے لیے نہیں آتا اگر آتا تو پھر ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سیاحوں کے لیے جنت ثابت ہوتے تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں اور جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں کوئی معاشی بہت زیادہ کوئی خوشحالی کی بات ہے تو اس پہ ایک میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی جو بیلنس سٹیٹمنٹ ہے وہ کبھی آپ کا ماشاء اللہ چینل اس بارے میں تحقیق کے ضمن میں بہت کام کر رہا ہے آپ اس پہ ضرور ریسرچ کیجئے کہ جن ملکوں نے آلریڈی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں میری مراد مصر سے ہے جارڈن سے ہے جو دیگر خطے کے دور دراز ممالک ہیں ترکی ہے ان کو ترکی کا ہم موازنہ اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ ترکی 48 سے ان کے ساتھ ہے وہ اس طرح کسی اکارڈ وغیرہ کا حصہ نہیں تھا وہ ان کا ایک پالیسی ڈیسیژن تھا ان کی تاسیس سے انہوں نے ان کے ساتھ معاملات کر تو ان کو اکنامیکلی کیا بینیفٹ ہوئے ہیں بالخصوص مصر کو کیا بینیفٹ مصر اس وقت عرب دنیا میں افراط زر کا شکار سب سے زیادہ افراط زر کا شکار ہے حالانکہ اسے امریکہ سے فوجی امداد بھی ملتی ہے ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے یمن میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کیا ان کی جو عرب اتحادی فوج تھی اس کے نتیجے میں بھی ریالوں کے بوریاں کی بوریاں جو ہیں وہاں جاتی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خطے کا غریب ترین ملک ہے اور وہاں پہ مسائل ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو قیادت ہے وہ کرپٹ قیادت ہے وہ ان تمام جو چیزیں جو ان آڈیٹڈ آتی ہیں خاص طور پہ جس طریقے سے امریکن ایڈ چاہے وہ افغانستان جہاد کی شکل میں آئی یا ادر وائز اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو فلسطین کے اندر تھا کہ جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر محمود عباس تھے وہ بھی اسی طریقے سے یورپی یونین اور یورپی کنٹریز ان کے بہت ہی بلو ایڈ بوائے تھے وہ تمام کے تمام ریسورسز انہی کے ہینڈ اوور کرتے تھے لیکن وہاں سے کبھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز تھے وہ غرب اردن میں بھی استعمال نہیں ہوئے وہ ان کے اپنے ذاتی بینکس اور اکاؤنٹس میں تو جاتے رہے نہ غزہ کے دلدر دور ہوئے غزہ میں بھی اسی طریقے سے غربت بھوک ننگ اور ان کے وسائل غزہ میں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے کیونکہ اس کے ایک طرف میڈیٹرینین ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے زیر زمین پانی کا ٹیبل جو ہے وہ بہت نیچے ہے جس کی وجہ سے پینے کے صاف پانی کی انتہائی قلت ہے تو یہ وہ ایک سیٹ اپ تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک خطے میں جتنے بھی ریسورسز تھے وہ مس یوز ہوئے اور اس کے نتیجے میں محرومیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں چاہے وہ مصر کے اندر آپ بات کریں پھر اسی طریقے سے اردن کا بھی آپ حال لیجیے اردن بھی ایک بادشاہت ہے اور وہاں پہ بھی یقیناً اس وقت جو بھوک ننگ جو غربت ہے جس انداز سے لوگ وہاں پہ یعنی کوئی اتنا خوشحالی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو ریسنٹلی وہاں پہ جو رائل فیملی ہے اس کے اندر ایک بغاوت کا بھی شوشہ چھوڑا گیا ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے ایک ریوولٹ کی بھی کوشش کی گئی ان کے خلاف اور اس کی وجہ یہی جو عالمی طاقتیں ہیں یہ جس طریقے سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا کرتی ہیں تو یہ انہوں نے فلسطین کے اندر بھی استعمال کیا حماس کو فتح کے ساتھ لڑایا اور یہی وجہ ہے کہ فتح یہ غزہ چھوڑ کر صرف اور صرف غرب اردن کی اسیر ہوگی اور حماس جو ہے یہاں بن گیا اور حماس اس پورے خطے کا انتظامی کنٹرول اس کے پاس تھا وہ یہاں پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین سے لے کے پولیس اہلکاروں تک ٹریفک وارڈنز تک تمام کے تمام ان کی سیلریز خود ارینج کرتے تھے کبھی اس کو قطر امداد دیتا تھا کبھی ترکی امداد دیتا تھا تو اس طریقے سے وہ جو خطہ تھا اس کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے دوچار کر کے اس کی جتنا بھی پوٹینشیل تھا اسرائیل کے خلاف لڑنے کا یا جد و جہد کا وہ سارے کا سارا ڈائلیوٹ کر دیا گیا لیکن جو لوگ باقاعدہ کسی مشن سٹیٹمنٹ کے تحت کام کر رہے تھے جن کا کوئی نظریہ کوئی سوچ کوئی فکر تھی میری مراد حماس یا مزاحمت کے جتنے بھی پروجیکٹ کے پیروکار ہیں چاہے وہ اسلامی جہاد ہو ایون خود فتح کی تنظیم جو ہے ان کا بھی ملٹری ونگ ہے سرائے القدس کے نام سے وہ بھی اس لڑائی کے اندر شامل ہے تو اس حد تک جو ہے یہ انٹرینچڈ ہے یہ تھاٹ جہاد کی اور مزاحمت کی کہ اور اس کو ایک لیگل فریم آف ریفرنس میں جو ہے وہ فلسطینی ایکسرسائز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے ان فلسطینیوں کو آج وہ چاہے حماس کے نام سے ہوں کسی اور نام سے ہوں انہیں وائپ آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے چاہے ان کے اندر جتنا مرضی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیا جائے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں ٹو اسٹیٹ فارمولا جس کی کہ پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل فلسطین اسرائیل کے مسئلے کا حل ٹو اسٹیٹ فارمولا ہے اچھا لیکن جس طرح سے ویسٹ بینک میں جو کہ فلسطین کے فارمولے میں تھوڑا بڑا حصہ ہے نسبتاً اس میں جس طرح سے اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹس پھیلا لی ہیں
कि हर कुछ किलोमीटर के बाद उनकी एक नई बस्ती है जिसके गिर्द एक दीवार है, फिर उसका लिंक आगे कई किलोमीटर दूर एक और बस्ती से है, और ये तमाम बस्तियां फिर इसराइल की उस स्टेट से जुड़ी हुई हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में मंजूर हुई थी, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी एक्सपेंड किया उसे, बल्कि काफ़ी एक्सपेंड किया 70%। तो सर अब तो मुमकिन भी नहीं है टू स्टेट फार्मूला, उसके लिए तो इसराइल को अपनी तमाम सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक से वापस करना पड़ेंगी। क्या जब ये लोग इस तरह की बात करते हैं, अमेरिका से कुछ लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन से बात करते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि टू स्टेट फार्मूला तो अब इसराइल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने लोगों को वहाँ से उठा कर ले जाए, तो ये तो वर्केबल ही नहीं रहा। तो ये अब उनके नज़दीक जो टू स्टेट की बात करते हैं वो इन सेटलमेंट्स को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जी यही असल दोहरा मैार है वेस्ट का और ख़ासतौर पर अमरीका का और उन आलमी ताकतों का, कि जो इस नाम ने हाथ दो रियासती हल के बहुत ज़्यादा प्रचारक हैं वो या तो यमीनी हकायक से ही आगाह नहीं है या वो इतने नईव हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, या अमरीका ने और उसके सरपरस्त इसराइल ने जो है ये वहाँ पर क्या मसाइल पैदा, पता तो उनको है। तो अब ऐसी अब यही वजह है ना कि वो उनके पता है कि जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पैदा कर ली हैं इसका रिवर्सल नहीं है। अब यही वजह है कि वो उससे आगे का सोच रहे हैं कि कहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाला जा सकता है, यानी कभी उन्हें गजा से निकालने की बात की जाती है, कभी उन्हें वेस्ट बैंक से निकालने की बात की जाती है, कभी उन पर इतना अरसा हयात तंग किया जाता है कि वो तंग आके खुद ये जगह छोड़ दें। यही वजह है कि आपको मकबूजा मशर की बैतुल मकदस में वो जो शेख जरा कॉलोनी है या जो इस वक्त अलकुद्स शरीफ कंपाउंड के इर्द गिर्द के जितने पुराने मोहल्ले हैं वहाँ पर कभी वो फ्लैग मार्च करते हैं, कभी वो मस्जिद अक्सा पर ऐसी कदकने लगाते हैं, कभी वो जो तारीखी शहर अल खलील है उसकी मस्जिद इब्राहिमी को ज़मानी और मकानी तौर पर तकसीम करते हैं ताकि फ़लस्तीनी इतने दिल बर्दाश्ता हों, या तो वो तशद्दुद पर मतलब एक मज़ाहमत के अमली मुजाहरे करें या फिर वहाँ से वो तंग आके चले जाएं। लेकिन फ़लस्तीनी भी धुन के पक्के हैं कि वो अपनी सरजमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि वो गर्ब उर्दन में भी उनकी जद्दोजहद जारी है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है यहाँ पर अगर बराह रास्त उनका इसराइल के साथ मतभेड़ है तो वहाँ पर फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसराइल के साथ वो उनके लिए सुहाने रूप बना हुआ है, वो उनको पकड़ते हैं और जाके इसराइली जेलों में उनको बंद कर देते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त तकरीबन 8,000 फ़लस्तीनी कैदी जो है मुख्तलिफ इसराइली जेलों में जो कैद है, और वो आज का नहीं पिछले 20-22 साल से उनमें बाज ऐसे हैं कि जो तकरीबन आप कह लीजिए 15-15 साल से बगैर मुकदमा चलाए बगैर किसी रिपोर्ट के जो है वो जेलों में बंद हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये वो मसाइल हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो दो रियासती हल की बात करते हैं, अभी रिसेंटली UNGA में जब फ़लस्तीनी सदर खिताब के लिए रोस्ट्रम पे गए हैं ऐन उसी लम्हे हॉल में बैठा हुआ इसराइली नुमाइंदा जो है उठ के चला गया, यानी आप उनकी बात तक तो सुनने के रवादार नहीं है, आप उनको साथ अपने फ़लस्तीनी रियासत में शरीक करेंगे और वो भी एक ऐसी, इसीलिए जब हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बात करती है तो वो कहती है ये एक कंटीजियस स्टेट हो, यानी मिली हुई हो बाहम, ऐसे नहीं है कि उसमें फ़लस्तीन सॉरी जो यहूदी आबादियों का ऐसा जाल हो कि जिसके नतीजे में वो फ़लस्तीनी रियासत आपस में जुड़ ही ना सके अपना इंतजामी कंट्रोल। वैसे भी ओस्लो एकॉर्ड माहदे में जिस लूली डंगड़ी फ़लस्तीनी रियासत की बात की गई थी उसका ना तो दिफा यानी दिफाई फौज है उसकी अपनी, ना उसकी अपनी करंसी है, ना उसकी कोई मुतय्यन सरहदें हैं, और यही हाल इसराइल का है, ना उसकी कोई मुतय्यन सरहदें हैं। वो आज भी अपना जो है ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की पेशानी के ऊपर अरबी अल्फाज में कंधा कर रखा है कि मुल्को के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, कि ए इसराइल तेरी जो रियासतें हैं वो दरिया फुरात से लेके नील और उससे भी बढ़ के जो मदीना में जो किला खैबर है वहाँ तक, क्योंकि हमें वहाँ से निकाला गया था, हमने उस इलाके तक जाना है और उसमें बाज इराक के इलाके और जॉर्डन का कुछ इलाका, ये सारे के सारे बिलादुश्शाम जो है उसको कवर करके वो उनका ये नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल जो है उसका नक्शा पूरा होता है। तो जो लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं उन्हें फिर अपने उस अंजाम से भी बाखबर रहना चाहिए कि ये वो इसराइली रियासत है कि जो अरबों के उस ऊंट की तरह जो है वो आपके खैमे में तो दाखिल होगी, फिर या आप रहेंगे या फिर ऊंट रहेगा। अच्छा सर, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो जंगी कैदी इन्होंने बनाए हैं हमास ने इसराइल से लोगों को पकड़ कर, अब वो उन्होंने बताया कि 200 से ऊपर हैं ये, इनमें कुछ इंटरनेशनल सिटीजन भी हैं यानी अमेरिका के हैं, कुछ थाईलैंड के हैं, फिलिपाइन के हैं, उनको उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे जब हालात फेवरेबल होंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये सारे लोग नहीं बचते, इसराइल इतनी बम्बारी करता है, वो सोचता है कि यार मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जैसे कि वो इससे पहले भी करता रहा,
तो उसके बाद फिर इनके लिए क्या ये ज़्यादा एक इनके लिए जवाब नहीं बन जाएगा इसराइल और अमेरिका के लिए कि वो हमास को बिल्कुल इस गज़ा की पट्टी को पूरी तरह ही ख़त्म कर दें और फिर उनके लिए वहाँ से उनसे टनल से हमास के बाकी हाइड आउट्स भी निकालना आसान हो जाएंगे? देखिए जी, इस वक्त जो है अजायम तो उनके यही हैं, लेकिन उसको लॉजिस्टिकली उनके लिए पॉसिबल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इफ एंड बट है। और ये आने वाले जो उनकी स्ट्रेटजी है, चाहे वो मिलिटरीली है या सियासी स्ट्रेटजी है, उसके आशकार होने के बाद ही पता चलेगा। और ख़ासतौर पर जो एक रद्दमल मुतवक्को है दूसरे फ्रीकैन की तरफ से भी या दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज की तरफ से भी, उसके बाद ही कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि ये गजा पर कोई पहली और आखिरी बमबारी नहीं है, गजा को पहले भी इसी तरह खटर का ढेर। अब यह है कि जरा सोशल मीडिया की उस प्रमोशन की वजह से वहां पे होने वाला जो भी एक्टिविटी है वो फौरी तौर पर रिपोर्ट हो जाती है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फौरी तौर पर लोगों के इल्म में आ जाता है। अदरवाइज गजा को इस हाल में पहुंचाने वाले यही लोग हैं और ये हर साल, हर दो साल बाद, तीन साल बाद यही एपिसोड जो है वो रिपीट होती है। और 2007 से ऑनवर्ड तकरीबन चार जंगें, एक जंग 2008-09 की जो थी वो 55 दिन जारी रही, 55 दिन जारी रही, 55 दिन, और उसके अंदर रमजान भी और ईदें भी लोगों ने जो है उसी जंग के अंदर गुजारी हैं। तो लिहाजा अगर ये तंजीम या ये लोग फलस्तीनी खत्म, असल में एक इसराइल को ये भी शायद गलत फहमी है कि ये जितने भी सबात और अजम और हौसला दिखा रहे हैं ये सिर्फ हमास के लोग दिखा रहे हैं। हमास के लोग कितनी तो बड़ी तादाद में होंगे उसके बारे में कोई एग्जैक्ट यानी तादाद बताना या शेयर करना तो शायद मुश्किल हो। अभी इसराइल के खुद अपने दावे हैं कि जी 1000 के करीब लोगों ने ये जो मिलिट्री अटैक है ये किया है, तो उन 1000 के अटैक के नतीजे में इसराइल को जो जिक पहुंची है वो मेरे ख्याल उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। वैसे भी वैसे सर, जिस कौम ने या जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने मरने का फैसला कर लिया हो कि अगर वो जिंदा हैं तब भी मरे हुए हैं और मरे हुए हैं तब तो यकीनन उनका ईमान है कि वो हकीकी मानों में जिंदा हैं और मतलब अल्लाह के यहाँ प्रवेश पाते हैं, ऐसी सूरत में उनका जो जज्बा है ना वही इन ऐसी जारे और काबिज कुवतों जो हैं उनके लिए सुहाने रूह होते हैं। और अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस आइडिया को आप कैसे देखते हैं कि जो लोग हैं गजा के और फलस्तीन के, इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनके अच्छे फ्यूचर के लिए ज़्यादा कोशिश की जाए अरबों की तरफ से, ना कि उस पूरे खित्ते की इस तरह से आज़ादी के लिए, उस आज़ादी को लेने की कोशिश में बेशुमार लोग हर साल मारे जाएं? देखिए जी, मैंने तो आपको अर्ज किया है कि यहाँ पे जो तकसीम दर तकसीम का अमल है ना, कि आप जैसे वो बुश साहब फरमाते थे कि जी यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो यहाँ पे अब फलस्तीन के अंदर जो आलमी ताकतें हैं और माजरत के साथ कहूँगा अरब और इस्लामी दुनिया जो है उनकी भी कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऐसी हो गई है कि आप हमारे कैंप में हैं कि फलाने दूसरे कैंप में हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अब अगर बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी बनती थी फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की कि वो इसको इंतजामी तौर पर भी अपने कंट्रोल में रखें और इनकी जो ज़रूरियात हैं मादी जो माशी वो भी पूरी करें। क्योंकि यहाँ से उनका इंतजामी कंट्रोल जो है वो खत्म करके मुकम्मल हम जेरे नगीन हो गया था, उन्होंने इसको अपने लिए एक चैलेंज, अपने लिए अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए एक चैलेंज समझ लिया। और यही वजह है कि ये फिर लोग खुद से अपने, वो कहते हैं ना अपनी दुनिया आप पैदा करने के चक्कर में ये मज़ाहमत के उस प्रोजेक्ट में चले गए। फिर इनके जो खित्ते के ममालिक के साथ लिंकेजेस डेवलप हुए वो भी बेसिकली इसी वजह से हुए, यानी उन्हें आपको अगर किसी जगह रहना है और दुश्मन के नरगे में रहना है तो फिर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अमरीकी वज़ीरे ख़ारजा ने सर जो अभी ये 6-7 मुल्कों का दौरा किया, इसराइल से शुरू करके बाकी अरब ममालिक में गए, फिर वापस इसराइल गए और फिर अमेरिका गए, उसके बाद जब अमरीकी सदर का एक इंटरव्यू सामने आता है तो ज़ाहिर है उन्होंने एंटोनी की ब्रीफिंग के बाद, ब्लिंकन की ब्रीफिंग के बाद ही वो इंटरव्यू दिया और उस दौरान वो आगाह रहे होंगे, उसमें उन्होंने एक जुमला कहा कि जिससे यूँ लगता है कि अरबों ने क्या अमेरिका को पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा कि गज़ा को ऑक्युपाई करना इसराइल की तरफ से बहुत बड़ी गलती होगा।
आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इस बात की मुखालफत कर रहा है कि इसराइल गजा पे हमला तो कर ले, लेकिन उस पर कब्जा ना करे या वो कब्जा नहीं करने देंगे? इस स्टेटमेंट को आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए जी, अमेरिका जो है वो वियतनाम में भी कब्जा करने गया था, वो इराक में भी कब्जा करने गया था, वो अफगानिस्तान में भी कब्जा करने गया था। तो आज के इस आज़ाद दौर में जहाँ पे 79 आदमी भी जो है वो एक मज़ाहमत की सलाहियत रखता है, तो ऐसी सूरत में आप कितनी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे? तो इन तमाम जगहों की जो तारीख है वही बुनियादी तौर पे दोहराई है बाइडेन साहब ने अपने स्टेटमेंट में, और एक लिहाज से अपने जो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि गलती होगी, उन्होंने कहा कि कब्जा करना गलती होगी। इसी वजह से उन्होंने एक दबे अल्फाज में, मलफूफ अंदाज में, एक डिप्लोमेटिक अंदाज में इसराइल को ये मैसेज दिया है कि आप ये बात करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पे अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल होगा। जैसे आप कह रहे हैं ना जी कि ये कितने को अफराद मारेंगे, अभी आपने 3,000 मार लिए, 4 मार लेंगे, 5 मार लेंगे, तो ये 23 लाख बंदा मार तो नहीं सकते आप। अगर आज के दौर में ये इतनी बड़ी फिगर ऑफ कैजुअल्टी आता है तो मैं समझता हूँ फिर तो ये दुनिया जुल्म से भर गई है। इसके बाद तो यानी कोई भी जो कमजोर है उसे जीने का हक नहीं। और ये बात करने के बाद अमेरिका की जो हिरोशिमा पे बम गिराने की हिस्ट्री है, या उसके बाद जितने भी उन्होंने मजालम दुनिया भर में ढाए हैं, चाहे वो जाली जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की शक्ल में हो, या उनके जो डिटेंशन कैंप, चाहे वो गुंतानामो में आबाद किए हों, कहाँ तो कहाँ कहाँ से अमेरिका जो है बदनामी या जो ये कलंक का टीका जो है वो अपने माथे पे लगवाएगा? और आया इस तरह के यानी बदनामियां मोल लेके आप जो कमिटी ऑफ नेशन में सर उठा के चल सकते हैं? आपके पास कोई जवाब रह जाता है कि एक सिविलाइज सोसाइटी के अपने आप को चैंपियन कहने का, लीडर कहने का, कि आप दुनिया में इस तरह की जो जारहियत है, जो जुल्म है, उसके सपोर्टर रहें, और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि दुनिया आपको सलूट दे और आपके बात पर जो लबैक है? मैं नहीं समझता कि दुनिया अभी इतने इंसाफ से खाली नहीं हुई है। एक आजमाइश जरूर है, और इस आजमाइश से यकीनन वही बंदा निकलेगा, वही लोग निकलेंगे कि जो अजमत सबात से अपने कमिटमेंट के साथ, अपने काज के साथ खड़े थे। आज ठीक है, उस वक्त उनको एक जंगी उसका कैफियत का सामना है, और इंशाल्लाह ये जंगे जो हैं इसी दुनिया में लगती हैं और इस दुनिया में ख़त्म भी होती हैं। बस अब आने वाले जो कुछ दिन हैं या कुछ घंटे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो है वाजह होना शुरू होगी। लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे उनकी बॉम्बिंग है, मैं समझता हूँ कि ये आखिरी तिनका साबित होगी उनके, और जो ऊंट की कमर पे होता है, और अमरीका के लिए और इसराइल के लिए ये सबसे बड़ी बदनामी इसमें होगी। आप सर इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है कि अमेरिका यकीनन इस जल्दी में होगा कि वो यूक्रेन के महाज पर वापस जाए, क्योंकि जो उसने 20 साल अफगानिस्तान में गुजारे थे, उन्हीं 20 सालों में चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा इस लेवल तक ग्रो कर गए थे कि उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। तो लिहाजा उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जहन में ये बात लाजमी होगी कि हमें ज़्यादा देर मिडल ईस्ट में नहीं फंसना, हमने यहाँ से निकलना है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस थिएटर से, ये जो मिडल ईस्ट में उसके लिए खुल गया है, यहाँ से कितनी जल्दी फारिग होकर अपने सारे वसाइल, तवज्जो और एनर्जी यूक्रेन पर रशिया के खिलाफ लगाने के लिए जा सकता है, कि उसको अभी कितना टाइम चाहिए यहाँ से निकलने के लिए? जहाँ तक यूक्रेन का क्राइसिस है, वो भी अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि अमेरिका ने जिस जोम से वहाँ पे इस सारे प्रोजेक्ट को शुरू किया था, उनके लिए तो पहली सर्दियाँ जो हैं वो मौत का पैगाम बन गई थी। और अब जितने भी तवानाई की ज़रूरियात हैं उनकी, जिस अंदाज से यूरोप आपस में तकसीम है, और ख़ास तौर पे उनकी तवानाई की ज़रूरतें इसी खलीज के खत्ते ने पूरी करनी है, उनको LNG जो है वो कतर में ही देनी है, उनको जो दीगर तवानाई के ज़राए हैं वो इसी मिडल ईस्ट से फराहम होने हैं। तो लिहाजा इस मिडल ईस्ट को आपका अलाव बना के वो कम अज़ कम जो यूरोप की जो चिमनियाँ हैं वो ज़्यादा देर नहीं चला सकते, या जो यूरोप का जो हीटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा देर नहीं चला सकते। और ख़ासतौर पर ये जो एक इंतहा पसंदी का एलिमेंट या एक रद्दअमल यहाँ से जनरेट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, उसके आपको मुख्तलिफ मज़ाहिर जो हैं वो यूरोप में भी दिखाई देंगे, और वहाँ पे भी जो उनके लोग जिनको वो बड़े पीसफुल लाइफ या लिविंग जो है देने के ख्वाब देख रहे हैं, वो भी महफूज नहीं रह सकें। और आपने भी जो इसके इस्लामोफोबिया के हवाले से, और ख़ासतौर पर इसी गजा जंग का जो एक परताव अमरीका में, एक छोटे बच्चे की, छः साल के बच्चे की, एक 71 साल जो अमरीकी, उसके हाथों जो शहादत की खबर देखी है, उनका लैंडलॉर्ड था,
उसका लैंडलॉर्ड था, इसी घर उनको किराए पे दिया हुआ था, और आप देखें उसने जाके अपने ही घर में, बेसिकली अपने ही घर में कत्ल किया। ये जो इमेजेस जब दुनिया में ट्रेवल करेंगे खासतौर पे सोशल मीडिया के तवस्से से या अदरवाइज, तो आपका क्या ख्याल है कि जो यूरोप है या वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो इसी अकीदे के पैरोकार हैं वो क्या चुपके बैठे रहेंगे? बहुत बहुत खतरनाक सूरत हाल है सर ये, क्योंकि मुझे तो एक अमन पसंद इंसान के तौर पर, मैं तो कभी जंग नहीं चाहता किसी भी जगह, आप भी यकीनन इस तरह के हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि हम एक फ्लैश पॉइंट पर आ गए हैं। पूरी दुनिया पहले एक जगह से निकली, अब दूसरी जगह पर, और हम शायद अमन की तरफ अब काफ़ी देर वापस नहीं लौट सकेंगे अगर वाइज डिसीजन वर्ल्ड पावर्स ने ना लिए। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से बात की और बड़े सब्र से हमारे लंबे लंबे क्वेश्चंस के, सवालों के जवाब दिए और पूरी डिटेल में दिए सर। हम आपको दोबारा भी दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।